देखो, मैंने माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को में काम किया है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, और साइड में बच्चों को, हजारों बच्चों को कोडिंग सिखाई है, इवन कॉमर्स, साइंस, मैकेनिकल, केमिस्ट्री, इन ब्रांचेस के बच्चों को भी प्रोग्रामिंग सिखाई है। इसलिए जब कोई पूछता है ना कि तने भैया कोडिंग कैसे सीखे, कोडिंग बहुत हार्ड लग रहा है, तो अंदर का टीचर जाग जाता है। तो अनूप कौर का मैसेज आया कि भैया मैं चंडीगढ़ के एक प्राइवेट कॉलेज से हूँ, मैंने कई बार कोशिश की कोडिंग सीखने की यूट्यूब से, लेकिन बहुत टफ लगता है, तो क्या करूँ। पहला क्वेश्चन मैंने उससे पूछा कि अनूप तुम मैगी बनाते हो? उन्होंने कहा हाँ बनाती हूँ। मैंने बोला कि अगर तुम्हें किसी को बताना हो कि मैगी कैसे बनाया जाता है तो तुम कैसे बताओगी? भैया बहुत सिंपल है, पहले गैस ऑन करो, फिर पतीला रखो, फिर उसमें पानी डालो, जितनी मैगी बनानी है उसके हिसाब से पानी डालो, मैगी डालो, मसाला डालो, 2-3 मिनट तक उसको चलने दो, हो गया। मैंने बोला देखो तुमको तो कोडिंग आती है, कोडिंग का मतलब बस इतना है कि किसी को स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जाए। अगर तुम एक इंसान को स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शन दे सकते हो तो प्रोग्रामिंग में बस वही चीज एक कंप्यूटर के साथ करनी होती है, और इस इंस्ट्रक्शन को देने के लिए एक लैंग्वेज सीखना है। जैसे हम और तुम हिंदी में बात कर रहे हैं, उसी तरह एक लैंग्वेज है जिससे तुम कंप्यूटर से बात कर सकते हो। तो अनुप ने बोला कि भैया आप क्या बना रहे हो, मुझे इतना आसान तो नहीं है। मैंने DSA का एक प्लेलिस्ट लिया, उससे शुरू किया, कितना मुश्किल था, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो मैंने उससे पूछा कि जब तुम क्लास 1 में थे, इंग्लिश सीखना शुरू किए थे, तो पहले दिन क्या शेक्सपियर पढ़ने लगे थे? नहीं ना, पहले तुमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखा, नाउन और वर्ब, फिर नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इस तरह से सीखा ना, धीरे 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 धीरे। जब नाउन, वर्ब, ऑब्जेक्ट सीख गए तो फिर धीरे एडजेक्टिव्स आए, फिर एडवर्ब्स आए, और कितने साल तक हम ये सब कुछ सीखते रहे, टेंस समझा, बहुत सारा समय लगा ना। लैंग्वेज सीखना इतना आसान तो है नहीं, और लैंग्वेज सीखने के लिए आप एक ही दिन सोचोगे कि यार मैं तो शेक्सपियर ही बन जाऊं, तो बहुत मुश्किल होगी, होगी कि नहीं होगी। वैसे ही कोडिंग में भी प्रिंट सीखो, वेरिएबल इनिशियलाइज करना सीखो, वेरिएबल्स का मतलब समझो, डेटा टाइप सीखो, फिर छोटे छोटे फंक्शन लिखना सीखो, फिर लूप सीखो, इफ एल्स सीखो, काफी टाइम दो इन चीजों को। मान लो कि एक बार इमेजिन करते हैं, तुम्हारे क्लास 1 में टीचर आए, उन्होंने कहा कि 1 महीने में मैं तुम्हें सब पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखा दूंगी और 1 महीने बाद तुम सबको पोएम लिखना होगा, तो हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। इन छोटी छोटी चीजों में बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, धीरे 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 धीरे, एक एक प्रोग्राम। जब मैंने भी कोडिंग सीखी थी, एक स्टार पैटर्न का प्रोग्राम, एक इनपुट आउटपुट का प्रोग्राम, 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम, 2 नंबर सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम, काफी टाइम लगाया। तो जब तक इस तरह के 200-500 प्रोग्राम्स तुमने नहीं लिखे हैं, तब तक तुम पोयम कैसे लिख सकते हो? DSA जो है वो पोयम है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए पहले लैंग्वेज सीखना जरूरी है ना, तो छोटी शुरुआत, स्टार्ट स्मॉल करना बहुत जरूरी है प्रोग्रामिंग के लिए। DSA और एल्गोरिदम जो है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम, बहुत एडवांस चीज है वो। प्रोग्रामिंग कम मैथ ज्यादा है, वो प्रोग्रामिंग कम साइंस ज्यादा है, वो कंप्यूटर साइंस के पार्ट से आता है, वो जो मैथ के साथ इंटरचेंज होता है, उसमें तुम घुसोगे, उसमें भी तो उसको भी तुम समझोगे, लेकिन समय के साथ। अभी हम क्या करते हैं ना, हम मिक्स कर देते हैं। हम DSA सीखने जाते हैं, अभी हमें प्रोग्रामिंग आती नहीं है, तो हम बोलेंगे अरे प्रोग्रामिंग तो आती नहीं है लेकिन DSA नहीं बन रहा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो पहले तुम प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट सीखो, सिंपल सिंपल प्रोग्राम, कि अगर मैं, मुझे कोई बर्थडे अपना बताए तो मैं बता सकता हूँ कि वो बर्थडे लीप ईयर है कि नहीं। अगर कोई मुझे बताए कि 10 लोग आए हैं तो 10 कप चाय में कितनी चीनी पड़ेगी, कितना दूध पड़ेगा, कितना चाय पत्ती पड़ेगा, ऐसे रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों को जब तुम प्रोग्राम करने लगते हो ना, तब तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। और आज के टाइम पे हम यही गलती कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि 1 महीने में पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखो, अगले महीने से पोयम लिखो, अगले महीने से तुम एकदम शेक्सपियर ही हो जाओ। ऐसा कभी हुआ है? अगर ऐसा कभी कहीं और नहीं हुआ है तो प्रोग्रामिंग कैसे होगा, सोच के देखो। फिर अनुप ने मुझसे कहा कि भैया बात तो आपकी सही लग रही है, लेकिन मैं करती हूँ ना प्रोग्रामिंग, तो बहुत एरर्स आने लगते हैं, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो मैं क्या करूँ? प्रोग्रामिंग में एरर आना, इश्यूज आना, ये तो पार्ट ऑफ जॉब है, ये तो होगा ही, पर जब वो एरर सॉल्व हो जाते हैं तब कितना अच्छा लगता है, तब लगता है ना कि अरे वाह बड़ा मजा आया। बट यहाँ पे जब अकेले बहुत देर फ्रस्ट्रेट हो जाओ, कोई सपोर्ट ना मिले, तो कम्युनिटी पिक्चर में आती है। कम्युनिटी क्या है? बेसिकली लोग। जब तुम कोई लैंग्वेज सीखते थे स्कूल में ही, जब पढ़ते थे तो लोग रहते थे साथ में, कहीं अटक गए तो पूछा अरे इसका क्या आंसर होगा, ए पता ना यार मुझे ना ये वाला लेसन समझ में नहीं आ रहा, तू मुझे समझा देगा, ये वाला पार्ट सर ने समझाया बट मुझे समझ में नहीं आया, तू मुझे बता देगी, होता था ना। तो ये जो कम्युनिटी के साथ आप लर्निंग करते हो, इसमें क्या है, छोटे छोटे डाउट्स, छोटे छोटे इश्यूज, ये सब प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाती है। तो प्रोग्रामिंग जब सीख रहे हो तो अकेले मत सीखो, प्रोग्रामिंग कम्युनिटी के साथ सीखो। इसका एक और पार्ट है, जब तुम अपना प्रोग्राम लोगों को दिखाते हो, अगर एरर नहीं भी आ रहा होता है तो भी वो देखते और बोलते अरे यहाँ पर तुमने ये गलती कर दी, यहाँ पर ये प्रोग्राम चल तो रहा है लेकिन इसको और बेटर लिख सकते थे,
जिस तरह से लैंग्वेज में जब तुम किसी को अपना लिखा हुआ 2-4-10 लाइन दिखाते हो तो बोलते हो ये अच्छा तो है काफी, लेकिन इसमें ये फ्लफ वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, ये टेंस गलत है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे प्रोसेस में मजा आता है। जब आप लोगों के साथ कुछ सीखते हो तो आप अटकते हो, लोगों को हेल्प करते हो, लोगों का हेल्प लेते हो, तो काफी फन हो जाता है एक्सपीरियंस। इसलिए अगर प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू करनी है तो एक कम्युनिटी के साथ शुरू करना बहुत अच्छा है, जो कि बिगिनर फ्रेंडली कम्युनिटी हो। तो अनुप मुझे बोलती है कि ठीक है भैया मैं शुरू करती हूँ फिर सही से प्रोग्रामिंग सीखना, 2 महीने में हो जाएगा ना, क्योंकि भैया मुझे प्लेसमेंट चाहिए, बाकी लोगों की जॉब लग रही है। यहाँ पे तुम क्या करने लगते हो कि तुम अपनी जर्नी को दूसरे से कंपेयर करने लगते हो। तो उसको अगर जॉब लग रही है तो उसने प्रोग्रामिंग करना उसका बहुत पहले शुरू किया हो। तुम आज शुरू करोगे सोचोगे 2 महीने में मैं स्क्रैम करके सब सीख जाऊं और मुझे बहुत ही बढ़िया जॉब भी लग जाए, तो वो तो मुश्किल है। तुम्हें समझना होगा कि एक जर्नी है, ये एक करियर है। आज तुम्हें कितनी की भी जॉब लगे, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग की जॉब लग रही है, अगर तुम रेगुलर डेवलपमेंट कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, सीखते रहोगे और प्रोग्रामिंग करते रहोगे। तुम्हें बेसिकली सीखने के पैसे मिल रहे हैं और 4-5 साल में सबकी सैलरी ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। अगर सब सीखते रहे तो 4-5 साल में एक बढ़िया करियर बन जाता है, एक अच्छा पैकेज मिल जाता है, आप एक गाड़ी खरीद सकते हो, EMI पे घर ले सकते हो, शादी का सोच सकते हो, तो सब कुछ आपका सेटल हो जाता है अगले 5 साल में। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़े कम पैसे मिले किसी से, थोड़े कम पर्क्स मिले किसी और से, लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों में अगर आप मेहनत करते रहोगे करियर बनाने की तरफ, स्पेशली एक प्रोग्रामिंग करियर बनाने की तरफ, एक स्किल डेवलप करने की तरफ, एक स्पेशलिस्ट बनने की तरफ, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि 5 साल में आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। 2 महीने में नहीं होगा, 4 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, 8 महीने में होगा, 10 महीने में होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा, 5 साल में होगा, किस बात की हड़बड़ी है। 40 साल का करियर है, लंबी पारी खेलो। मैं हमेशा बोलता हूँ प्ले द लॉन्ग गेम। लॉन्ग गेम में यह फायदा होता है कि अगर तुम 5 साल में भी प्रोग्रामिंग अच्छे से सीखे हो तो वहां से तुम्हारा करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। तब तक तुम ये कोशिश करो कि बेसिक सीख के मुझे एक एंट्री लेवल जॉब मिल जाए, 6 महीने में मिल जाए, 1 साल में मिल जाए, 1.5 साल में मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। यार हम लोग में से कोई भी क्या पेट से सीख के आया है प्रोग्रामिंग करना? किसी को बचपन में स्कूल में पढ़ाया गया क्या प्रोग्रामिंग करना? किसी को भी नहीं पढ़ाया गया, कोई भी बचपन से नहीं सीखा हुआ है। हर कोई तो एक टाइम पे नॉन प्रोग्रामर ही होता है ना, और फिर जर्नी शुरू करता है। तुम्हें प्रॉब्लम यही सोच के होती है ना कि अरे उसके पास 4 साल का डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से कह रहा हूं, 40 साल के करियर में तुम 4 महीने या 4 साल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अपनी जर्नी शुरू करो धीरे धीरे, रोज थोड़ा थोड़ा, 30 मिनट, 1 घंटा, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे करके 2-4 महीने में भी अगर तुम 6 घंटे कोडिंग करने लगोगे तो तुम सही जगह पहुंच जाओगे बंधु। किसी और से कंपटीशन नहीं है, अपना करियर बनाना है तुम्हें, बस अपना। सिर्फ अपने लिए पैसे कमाना, सिर्फ अपने लिए प्रोग्रामिंग सीखनी है। ये जो कंपटीशन सोचते हो ना, ऐसा कोई है ही नहीं कंपटीशन। क्यों नहीं है? क्योंकि यार प्रोग्रामिंग जॉब्स तो बढ़ रही है ना, प्रोग्रामिंग की इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है कि इतना सारा सैलरी दिया जा रहा है लोगों को। क्यों दिया जा रहा है इतना सारा सैलरी? इसीलिए ना, क्योंकि डिमांड है और सप्लाई कम है। तो तुम जितने ज्यादा लोग तुम सीखोगे, जितना ज्यादा सीखोगे, जितना फ्री टाइम लगा के सीखोगे, तुम तो सप्लाई में ऐड ही होगे ना, तुम्हें कोई ना कोई तो उठा ही लेगा। और एक बार तुम उठ गए, 2-4 साल काम कर लिया, तो उसके बाद तुम एक्सपीरियंस आ जाएगा, उसके बाद तुम बहुत अच्छी कंपनी में भी जाके काम कर सकते हो। तो जिस फील्ड में एक लंबा करियर है, जिस फील्ड में काफी ज्यादा डिमांड है, उस फील्ड में घुसने के लिए ये मत सोचो कि कोई मुझसे आगे, क्या फर्क पड़ता है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, तुम अपनी जियो। इस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं, आपको सुनाता हूं कि कोडिंग न मांगे डिग्री, कोडिंग न मांगे डिग्री, न मांगे कॉलेज का नाम, तने भैया कह रहे हैं बस दिखाओ अपना काम। मैंने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी शुरू की 2006 में, आज भी मैं दुनिया का बेस्ट प्रोग्रामर नहीं हूं। तुमने अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी कब शुरू की मुझे जाने के पहले कमेंट में बताते जाना, और रुको सब्सक्राइब करना मत भूलना।